आप सबको जय मसीह की। मत्ती उसका छठवां अध्याय और 32 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। आमेन। और धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने इस पूरे महीने में हमें संभाला, और हम धन्यवादी हैं कि परमेश्वर जानता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। तो आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। धन्यवाद उस अगापे प्रेम के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद उस उद्धार के लिए प्रभु जो आपने हमारा किया प्रभु। धन्यवाद उस लहू के लिए प्रभु जो आपने हमारे पापों के लिए बहाया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु। सच में परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु हमसे बहुत प्रेम किया प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु हमारे पापों के लिए आपने अपने आप को क्रूस पर दिया प्रभु, और हमारे पापों की हमारे गुनाहों की सजा को प्रभु आपने अपने ऊपर ले लिया प्रभु, ताकि हम प्रभु इस सारे पाप से छुटकारा पाकर धर्मी गिने जाएं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी दया करुणा के लिए प्रभु, क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य हैं प्रभु। आप पिता परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु आप उन पर अपना अनुग्रह करें। पिता परमेश्वर आप उनकी दुआओं को सुने परमेश्वर पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो कि प्रभु अपने परिवार में अपने कलेशों में है पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने उनके परिवार के कलेशों को दूर कर दिया प्रभु, और उनके जीवन में परमेश्वर एक नई खुशहाली को और एक नई आशीषों को प्रभु आपने दिया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता जिनके जीवन में प्रभु बहुत सारी परेशानियां बनी है पिता। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारी परेशानियों को उनके जीवन से कैंसिल आउट करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु आप उनके जीवन में रहते हैं प्रभु जो आपके नाम पर विश्वास करता है परमेश्वर, और उसकी बातों को आप प्रभु उसके मांगने से पहले जानते हैं पिता। आप प्रभु उनके घर में लड़ाई झगड़ों को, उस कलेश को पिता आप उनके जीवन से दूर करें पिता परमेश्वर। पिता हम उनके लिए दुआ करते हैं पिता कि आपकी शांति, आपकी समृद्धि परमेश्वर उनके परिवार में बनी रहे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु जो आप पर विश्वास करता है प्रभु वो कभी लज्जित नहीं होता। प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि आपने प्रभु उन कलेशों से प्रभु उन्हें बचाया प्रभु, और अपनी शांति और आनंद को भरपूर से प्रभु उस परिवार में दे दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता जो कि अपने शादी के लिए चिंतित हैं प्रभु, अपनी मैरिज के लिए चिंतित हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु बहुत वो इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप पिता परमेश्वर जानते हैं कि प्रभु उन्हें किस बात की आवश्यकता है। पिता आप उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर दें प्रभु, उन्हें एक लाइफ अच्छे लाइफ पार्टनर की जरूरत है प्रभु। आप उनके जीवन में एक राइट लाइफ पार्टनर को, एक अच्छे जीवन साथी को दें पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी इच्छा परमेश्वर पिता इनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु कि आप परमेश्वर जो कुछ भी देते हैं प्रभु वो बेस्ट होता है प्रभु जी। पिता उनके इंतजार का प्रतिफल आप अच्छा दें पिता परमेश्वर। प्रभु जो कोई इंतजार करता है प्रभु, जो कोई तेरे लिए वेट, तेरी योजना के लिए वेट करता है प्रभु, आप उसके जीवन में बहुतायत से भरपूरी से कार्य करते हैं पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो प्रभु अपनी स्टडीज को कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु बहुत ज्यादा प्रेशराइज प्रभु उनका माइंड प्रभु स्टडीज को लेकर है पिता। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कहते हैं पिता कि आप अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से उन्हें भरे प्रभु, और प्रभु क्योंकि आप जानते हैं कि उनको बुद्धि की आवश्यकता है प्रभु जी, तो आप अपनी बुद्धि से परमेश्वर उन्हें भरे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होकर अव्वल होकर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। पिता धन्यवाद करते हैं वो आपके नाम को भी महिमा दे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु जी उन बच्चों को अपनी बुद्धि से भर दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हर नेगेटिव बातों से आपने उन्हें बचा लिया है परमेश्वर। हम उन्हें भी ब्लेस करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ज्योति हैं प्रभु और
उनके जीवन में भी प्रभु वो ज्योति के समान चमकने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु एक वो अच्छा करेक्टर उनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। प्रभु हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जिनके रिलेशनशिप में प्रभु जी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बहुत डिस्टर्बेंस उनके जीवन में है प्रभु। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारे डिस्टर्बेंस को, उन सारे गलत बातों को, वो हर एक नेगेटिविटी को, हर एक शैतान के काम को यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन से कैंसिल आउट करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने उनके रिलेशनशिप को जोड़ कर रखा है प्रभु। आप अपने प्रेम को प्रभु जी उनके बीच में दीजिए प्रभु, क्योंकि जिसके अंदर प्रभु आपका प्रेम होता है परमेश्वर, उसके बीच में प्रभु कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप प्रभु उनको आवश्यकता है प्रभु, तो आपके प्रेम की प्रभु, आपके विश्वास की परमेश्वर पिता, आप उनके जीवन में अपने प्रेम, अपने विश्वास को दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी। पिता हम उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु जो अपनी बीमारियों में है प्रभु, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी है प्रभु, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उन सारी बीमारियों को डांट कर आज्ञा देते हैं कि उनके शरीर को छोड़कर अब भी और इसी वक्त यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु आप जानते हो कि बीमारों को उनकी चंगाई की आवश्यकता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पूर्ण चंगाई को दे दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु थायराइड की बीमारी आपने हील कर दी है, कैंसर की बीमारी आपने हील कर दिया है प्रभु जी, जिसको टाइफाइड है प्रभु उसको आपने हील कर दिया है प्रभु, जॉन्डिस की बीमारी प्रभु जी आपने हील कर दी है पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी जो यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, हम उन सारी बीमारियों को डांट कर आज्ञा देते हैं कि वो निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु जी जो कोई आप पर विश्वास करता है प्रभु जी, उसके लिए ये संभव है प्रभु, वो पूर्णतः अपनी चंगाई को रिसीव करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता कि प्रभु जिनको चंगाई की आवश्यकता है प्रभु, आपने उनको चंगाई अब भी और इसी वक्त दे दी है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह आपकी दया उन पर बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो अपना घर बना रहे हैं परमेश्वर पिता, जिनको पिता परमेश्वर अब आवश्यकता है प्रभु जी कि उन्हें फाइनेंस की आवश्यकता है परमेश्वर पिता, आप उनके लिए प्रभु अपने महिमा में धन से परमेश्वर व्यवस्था को करें पिता परमेश्वर। पिता उनके लिए हर एक उपायों को आप करें, क्योंकि आप यहोवा यीरे हैं प्रभु जी, और आप जानते हैं परमेश्वर कि उन्हें क्या आवश्यकता है प्रभु। उनका घर आप बनाए प्रभु जी पिता परमेश्वर, उनके घर को आप परमेश्वर बनाए, जिस घर को आप बनाते हैं प्रभु उस घर पर आशीष ही आशीष होती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर जो कर्जे में है मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रभु उन्हें कर्जों से मुक्त कर दिया है प्रभु, आपने उनके हर एक कर्ज को प्रभु जी चुका दिया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप प्रभु उन जिनके ऊपर कर्ज है प्रभु, उनके कर्जों को आपने चुका दिया है प्रभु, आपने उनकी आवश्यकता को आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं कि वो कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, तो परमेश्वर अभी और इसी वक्त उनका कर्जा यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन माँ बाप के लिए प्रभु जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रभु बहुत चिंतित हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं परमेश्वर। हम उनकी हर एक टेंशन को, उनकी हर एक परेशानी को, अपने बच्चों के फ्यूचर की टेंशन को पिता आपके हाथों में देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर उन बच्चों का फ्यूचर भी आप जानते हैं, और जो कोई आपके नाम पर विश्वास करता है प्रभु उसका ब्राइट फ्यूचर होता है परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, इन सारी प्रार्थनाओं को मेरे पिता हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। हम धन्यवादी हैं परमेश्वर कि आपने इन सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु, और हर एक की आवश्यकता के अनुसार आपने परमेश्वर उत्तर दे दिया है पिता, और प्रभु वो उत्तर हमें हमारी प्रार्थनाओं में हाँ और आमीन से मिला है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, हम हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।